बेहतरीन जायके की वजह से भारत में मोमोज बेस्ट स्ट्रीट फूड में शुमार है। मोमोज बनाने में तेल का प्रयोग बहुत ही कम होता है, इसे भाप से पकाया जाता है, इसलिए मोमो पचाने में आसान और पौष्टिक माना जाता है। मोमोज बनाना इतना भी कठिन नहीं है जितना आपको लगता है। मोमोज खाने के शौकीन लोग अपनी क्रेविंग को शांत करने के लिए घर पर ही आसानी से इस चाइनीज स्ट्रीट फूड का लुफ्त उठा सकते हैं। मोमोज बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी को बेहद पसंद होते हैं, तो देर किस बात की, आइए जानते हैं कि घर पर इसे कैसे बनाएं। सबसे पहले मोमोज बनाने की सामग्री यानी कि इंग्रेडिएंट्स: 2 कटोरी मैदा, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, लहसुन की कलियां 6 से 7 कद्दूकस की हुई, 1/2 पत्ता गोभी बारीक कटी हुई, 1/2 कप पनीर कद्दूकस किया हुआ, 1 टेबलस्पून तेल भरावन के लिए, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर नमक स्वाद अनुसार, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हरा धनिया। अब जानते हैं मोमोज बनाने की विधि। सबसे पहले एक बर्तन में मैदे में चुटकी भर नमक और पानी डालकर इसे नरम गूंद लें और सेट होने के लिए ढककर रख दें। मोमोज का भरावन यानी कि स्टफिंग बनाने के लिए एक कटोरी में कद्दूकस की गई पत्ता गोभी, पनीर, प्याज और लहसुन, हरा धनिया सभी को काटकर अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें तेल, काली मिर्च पाउडर और नमक मिलाएं और इसे भी घंटे भर के लिए रख दें। ऐसा करने से पत्ता गोभी सॉफ्ट हो जाएगी। तय समय के बाद मैदे की गोल लोई बनाकर सूखे मैदे में लपेटकर छोटी छोटी पतली पूरी बेल लें। फिर पूरियों के बीचों बीच मोमोज का भरावन रखें यानी कि स्टफिंग, और शेप देते हुए बंद कर दें। ऐसे ही सारे मोमोज भरकर तैयार कर लें। इन्हें पकाने के लिए मोमोज का भाप वाला बर्तन लें। सबसे नीचे वाले बर्तन में आधे से ज्यादा पानी भरकर गैस पर गर्म करें। फिर पहले सेपरेटर पर मोमोज रखकर गर्म पानी वाले बर्तन के ऊपर लगाकर सेट करें। बर्तन को चिकना जरूर कर लें। ढककर धीमी आंच पर भाप में 10 मिनट तक मोमोज पकाएं। तैयार है वेज मोमोज। लाल मिर्च की चटनी और मेयोनेज के साथ सर्व करें।